रिनोवेशन हुआ इसका भाई, जो यहाँ पे खुदाई पे मिला नेव मिली और ये जो ईंटें लगी सब नया, इसका स्ट्रक्चर बनाएगा ताकि ये पता चल सके लोगों को। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके, ये भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोजताराम विहार स्थल कौसाम्बी। जब आप लोग आओगे तो आपको ये गेट मिलेगा, हम लोग गेट से इंटर कर चुके हैं, तो यहाँ पे भोजताराम विहार का ये बोर्ड लगा मिलेगा। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सारनाथ मंडल सारनाथ के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, और इसमें लिखा है भोजताराम विहार प्राचीन बौद्ध साहित्य में विशिष्ट से उल्लेखित है, इस कारण इसका नाम भोजताराम पड़ा। महत्वपूर्ण अभिलेख आयाम पद अष्ट कमल दल के आकार वाले दीप स्तंभ तथा बिहार की उत्कीर्ण मुहर जो उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई थी, निश्चित रूप से घोस्ताराम बिहार की पहचान तथा कौसाम्बी नगर की पहचान को सिद्ध करते हुए उत्कीर्ण मुहर पर अंकित है। यहाँ पे कोई मुहर मिली थी जो पहले की थी, पुरानी थी, और ये आपको एक जो है संरक्षित स्मारक का एक बोर्ड लगा हुआ पुरातत्व विभाग द्वारा, और यहाँ पे ये पूरा किला बना हुआ है, और जो सेन चिश्ती है वो आगे है, तो हम इसको कवर करेंगे, इस बार सेन चिश्ती जाएंगे। इतना अच्छा व्यू है, जो वीडियो पे नहीं दिख रहा होगा लेकिन जब आप लोग यहाँ पे आओगे तो बहुत मस्त। क्यों पीयूष पांडे जी थी, उन्होंने बताया था कि जब पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे खुदाई किया तो यहाँ पे नेव मिली थी जो सिनाकत, तो उन्हीं नेव के ऊपर जो ईंट लगी हुई है इसका निर्माण करवाया गया, ताकि ये जो है पता चल सके किस तरीके से यहाँ पे मकान बने हुए थे। और यहाँ पे एक काफ़ी खाली सा जगह मिल रहा है ये देखो, और यहाँ पे कुछ अच्छी नक्काशी भी की गई है ये देखो, किस तरीके से ईंटे से किया गया है ये देखो। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, क्योंकि एक वीडियो यार बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, इस वजह से हमने जो है इसको दो पार्टों में बना दिया है ये देखो। मतलब यहाँ पे मालूम नहीं चल रहा है कि जैसे कोई महल को उल्टा कर दिया गया हो, कुछ इस तरीके से लगता है यार। ये पीछे साइड में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आओ इधर उतर आओ। अभी पीयूष गिर गया था, तो जो मोबाइल मेरा गिर गया था उसमें जो जो टच ग्लास है ना वो टूट गया, अब देखना पड़ेगा टच ग्लास है डिस्प्ले गई है इसकी, तो वहाँ पे भी एक नेव दिख रही है देख लो वहाँ ने, ऊपर से कवर करके दिखाऊंगा ये देखो। और यहाँ पे कोई विदेशी लोग आते हैं तो उनके लिए सारी व्यवस्था, वाशरूम बाथरूम ये देखो। ये पुराने ईंट की बनी हुई धरोहर है ये पुरानी, तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी पुरानी है ये देखो, ये तो पुरानी है भाई कुछ इस तरीके से ये देखो यहाँ पे बनी हुई, रिनोवेशन किया गया है ऊपर से रख के नई ईंटें, ये तो पुरानी नहीं है क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर था इसी तरीके से। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे जो सेन चिश्ती है, वहाँ पे अंदर होकर के आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं सेन चिश्ती जहाँ से व्यापार होता था। तो पीयूष गाड़ी स्टार्ट करो, चलते हैं सीधे, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, अब आगे आपको वो भी दिखाएंगे। देखिए आपको बोर्ड लिखा मिलेगा भारत सरकार सेन चिश्ती स्थल संरक्षित स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सारनाथ मंडल सारनाथ। ये एरो इस तरफ के लिए बनी तो इस तरफ होगा, और यहाँ से आपको जमुना जी के दर्शन हो जाएंगे। तो व्यापार यहीं से होता था पहले के ज़माने में, अशोक के समय में, आप लोग ये देख सकते हो जमुना जी, और ये सेन चिश्ती इस साइड, तो हम लोग वहीं पर भी जाने वाले हैं, और हम लोग इसको कवर कर रहे थे यहाँ पर कवर करके यहाँ पर। ये भी उसी तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, और ये देखो चलो आगे बढ़ो। ये सेन चिश्ती है, यहाँ से व्यापार होता था। अभी बाइक खड़ी कर दो, ज़्यादा नीचे ना कूदाना भाई, मोबाइल भी गिर गया था। अब हम लोग जो चले जाएँ, ये देखो ये सेन चिश्ती स्थल है, वो जो बता रहे थे ना वो सच बात है, देखो कि उस किस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ से पूरा जमुना जी का जो बहाव है वहाँ है, लेकिन पहले यहाँ पे हुआ करता रहा होगा व्यापार, यहाँ ये व्यापार स्थल यही, यहीं से पूरा व्यापार होता था ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ नाव वाव लगती थी पहले, और यहाँ से व्यापार होता था पहले, पूरा पानी यहाँ रहता रहा होगा, लेकिन अब पानी नहीं है, बहाव चेंज हो गया होगा, बाढ़ आई होगी। और ये देखो उसके बाद जाएंगे उस वाले किले पे जो और आपका पश्चिम दिशा में बना हुआ है। लोग फाइनली यहाँ पे आ गए हैं, और हम लोग इस साइड से आए हैं यहाँ ये रास्ता से, और वो उधर कवर करने के बाद, और यहाँ से आप देख सकते हो इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप लोग देख सकते हो कोई किला नुमा बना हुआ है यहाँ पे, ये गोल गुंबद है और वो किनारे पे भी गोल गुंबद है, और सीढ़ियाँ, और ये रास्ता देख सकते हो किस तरीके से बना हुआ है, पूरा पत्थर का, और ये भी पूरा पत्थर का ही रास्ता बना हुआ। अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, वो हमें किला थोड़ा सा दिख रहा है, हम लोग वहाँ पे जाकर कवर करेंगे, ये दिख रहा है। और यहाँ पे एक गाँव है, तो यहाँ का जो नज़ारा है ना काफ़ी सुंदर है भाई, ये देखो कितनी ज़्यादा रास्ता, इसी तरह की ढाल में भी पीयूष गिरा था, इतना पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है ये देखो यहाँ पे।
वहाँ से और यहाँ से सभी जगह से व्यापार होता रहा होगा। यहाँ पे एक बाइक खड़ी है, लोग कोई आए हैं यहाँ पे पर्यटक के रूप में। आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये देखो किस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर, लेकिन इसका जो रिनोवेशन हुआ है और ये मुझे तो पुराना लग रहा है। अभी नीचे जाके आपको दिखा देंगे। यहाँ पे बौद्ध धर्म का और बौद्ध भिक्षुओं का है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे कितनी सारी नावें खड़ी हैं। हम लोगों को अभी यहाँ पे एक लोग सिर्फ मिले। आपका नाम क्या भैया? अजय। अजय नाम, आप कहाँ से आए? हम यहीं इलाहाबाद से आए। इलाहाबाद से घूमने के लिए यहाँ पे आए, देखने के लिए आए हो? अकेले आए हो? जी जी। अभी तो कोई आपको यहाँ पे मिला नहीं होगा? नहीं नहीं, हमको भी नहीं मिला। अभी आप वहाँ पे गए हो जो अशोक स्तंभ है? अभी नहीं गए। एक सेन चिश्ती वहाँ पे व्यापार होता था, यहाँ के गार्ड ने हमें बताया था। जो जमुना जी है, पहले के पुराने ज़माने में यहाँ से व्यापार होता था भाई। पहले यही संसाधन था, कोई संसाधन था नहीं जी, जी। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने के लिए भी मिल रहा है और ये कंफर्म हो रहा है कि जो किले हैं ये पुराने ज़माने के। ये तो भी उन्होंने बताया था, ये नया रिनोवेशन हुआ इसका भाई। जो यहाँ पे खुदाई पे मिला नेव मिली और ये जो ईंटें लगी सब नया है। इसका स्ट्रक्चर बनाया गया ताकि ये पता चल सके लोगों को कि इस तरीके से बना था। तो हमें तो ये लग रहा है कि ये पुराना, आपको भी लग रहा है ये पुराना है? जी, ये पुराना है ना? बहुत पुराना लग रहा है। तो अभी हम लोग वहीं पे जाकर आपको दिखाएंगे। तो फाइनली हम लोग इस गुंबद पे आ चुके हैं और ये गुंबद का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, और ये पानी का बहाव रहता हो रहा होगा पहले। ये देख सकते हैं ये पुराना ही है। यहाँ से लोग उस पार जाते हैं, और उस पार कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है हमें नहीं मालूम, लेकिन अभी हम जाएंगे नाव वालों के पास, उनसे ज़रूर पता चल जाएगा। अगर बनेगा तो यहीं चित्रकूट निकल जाएंगे। वो तो ठीक, लेकिन गाड़ी हो खड़ी है तो गाड़ी उतार के लाएंगे ना वो लोग। कौन वो लोग? उधर से कहीं से रास्ता होगा, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं नाव वालों के पास, ये लोग अगर और उनसे पता करेंगे। हाँ आ जाओ। अभी हमने नाश्ता पानी भी नहीं किया, क्यों पियूष? सिर्फ आप लोगों के लिए तीन वीडियो हमने शूट किए हैं। इस परिश्रम को देख सकते हो यार, वीडियो लाइक किया करो कम से कम, और शेयर किया करो सबसे ज़्यादा। आप सपोर्ट करिए, मेहनत लगती है और इसके बाद पैसे भी हमारे लगते हैं। अभी हमें कोई इनकम नहीं हो रही, हम स्ट्रगल फेज में। अगर आप लोग चाहोगे तो यार इनकम होगी, अगर इनकम होगी तो हम लोग विदेश भी जाएंगे, क्यों पियूष? मतलब छोटी छोटी कंट्री पहले कवर करेंगे बजट के हिसाब से। इन लोगों से पता करेंगे उस पार कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और अपनी बाइक रखेंगे नाव में और सीधे निकल लेंगे। नाव वाले हो आप? क्या नाम आपका? अनिल। कहाँ रहते हो आप? गांव कौन सा? गढ़वा। गढ़वा में रहते? ये गढ़वा में रहते जहाँ पे हमने वीडियो शूट किया है, ये वहीं के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं ये जो नाव खड़ी है ये तो दूर पड़ेगा यहाँ से, आप वहाँ से जाओ। क्या बोले थे वहाँ का? पाली से जाने के लिए रास्ता बता रहे हैं। वहाँ से नाव में अपनी बाइक रखेंगे और हमें चित्रकूट जाना है, तो वहाँ से थोड़ा मतलब रास्ता सही पड़ेगा ना? वहाँ से रास्ता है। ये बाइक हम कहाँ से घुमा के ले जाएं? आपको यहाँ से कौसांबी ले जाएं, ऊपर से ले जाना, कौसांबी होकर जाना पड़ेगा। कौसांबी होकर जाके सीधी रोड पड़ी है, मेन रोड पड़ी है। जैसे इस नाव से हम उस पार चले जाएं तो वहाँ से बाइक जाने का रास्ता नहीं? यहाँ से है रास्ता। अच्छा, जा भी सकते हो? जा सकते हैं। सो फाइनली हम लोग यहाँ का पूरा शूट कर लिया है, तो अब हम जाने वाले हैं चित्रकूट। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, अभी नाव से जाएंगे। जो चित्रकूट वाला वीडियो होगा इसके बाद आएगा। तो अब हम लोग यहाँ से जाने वाले, क्यों पीयूष? अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। तो चलो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। चलो ये अपनी लीजेंडर खड़ी, अब इसको लेकर जाएंगे, आज इसको नाव में बिठाएंगे। अभी हम जाने वाले हैं, थक गई है बेचारी।